हेलो एवरीवन, मैं देवेश देवांगन आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज को लेकर चल रहे थे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैं धीरे धीरे परसेंटेज का एक टाइप एक पार्ट में लेकर चल रहा हूं। आप पूरी सीरीज़ को अच्छी तरह से देखिए, आपको परसेंटेज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग जो पिछला पार्ट था उसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है, उसको हम लोग आगे लेकर चल रहे हैं। ठीक है, एक नगर में क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। सॉल्यूशन बहुत ईजी है, क्वेश्चन को समझना थोड़ा टफ है बस। ठीक है, एक नगर में 25% परिवारों के पास फोन है और 15% के पास कार है। 65% परिवारों के पास ना तो कार है ना तो फोन है, मतलब दोनों नहीं है। 2000 परिवारों के पास फोन और कार दोनों है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और बनाना है। ठीक है, तो सब चलिए इंग्लिश में पढ़ लेता हूं मैं। इन ए सिटी 25% ऑफ फैमिलीज हैव अ फोन एंड 15% हैव अ कार। 65% फैमिलीज हैव नाइदर कार नॉट फोन, दोनों नहीं है नॉर फोन। 2000 फैमिलीज हैव बोथ कार एंड फोन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं जो आपको इसमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहेंगे। उसमें आपको बताना है कि जो ऊपर में दिया हुआ है उसके अनुसार से कौन कौन सा सही है और फिर उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ऐसा क्या है, ये 3 स्टेप है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों से इसमें चूक हो जाती है। तो हम लोग पहला स्टेटमेंट को ध्यान में रखेंगे। 10% परिवारों के पास कार और फोन दोनों हैं। 10% ऑफ द फैमिलीज है बोथ कार एंड फोन। कहने का मतलब हमको ये सब चीज़ निकालना है। कैसे निकालना है, देखो मैं बोथ का लेकर चलता हूँ। परसेंटेज किसका किसका ले लेता हूँ, बोथ का ले लेता हूँ मैं। परसेंटेज मैं बोथ का ले लेता हूँ, मेरी हैंड राइटिंग पर नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 25% परिवार के पास फोन है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, ये 25 कर रहे थे। फिर मैं जोड़ूंगा किसको, 15% के पास कार है, 15% के पास कार है। और क्या बोला है यहाँ पे, 65% के पास ना कार ना फोन, मतलब ये है वाला है, मतलब ये राइट, और नहीं है वाला है। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 में से माइनस करेंगे, फिर इसमें से माइनस करेंगे। माइनस ये रखेंगे 100 माइनस 65, ये ऐसा करेंगे क्योंकि ये नहीं है वाला है। देखिए यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से कितना आ गया, ये 40 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, ये 35 आ गया। ठीक है ना, सॉल्यूशन सही कर रहा हूँ ना मैं। अब यहाँ से ये आ गया 5%। तो ये जो परसेंटेज निकल के सामने आ गया है, ये बोथ का है, दोनों का परसेंटेज है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2000 परिवारों के पास कार और फोन दोनों हैं। 2000 परिवारों के पास क्या है, कार और फोन दोनों है। और परसेंटेज भी कितना आ रहा है, ये 5%, मतलब x का 5%, 5/100। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2000 दिया हुआ है। तो x निकाल लेते हैं यहाँ से, x कितना हो जाएगा, यहाँ से 2000 × 100 / 5, ये 20 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आ गया 40,000, कितना आ गया, 40,000। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितने हो जाएंगे, 40,000 हो जाएंगे। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या दिया है, 10% परिवारों के पास कार और फोन दोनों है, नहीं सिर्फ 5% के पास है, मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो हो गया गलत। पहला जो स्टेटमेंट है वो हो गया गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, अभी चलिए तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। तीसरे स्टेटमेंट का आंसर हमको निकल गया, नगर में 40,000 परिवार रहते हैं, देयर आर 40,000 फैमिलीज इन द सिटी। ठीक है, 40,000 तो निकल के सामने आ गया, मतलब ये भी सही है, थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। बहुत ध्यान से ना क्वेश्चन को। हम लोग चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट में। 35% परिवारों के पास या तो कार है या तो फोन है। 35% ऑफ फैमिलीज हैव ईदर कार और फोन। तो पहला लाइन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 65% परिवारों के पास ना तो कार है ना तो फोन है। क्या है, 100 में से 65, 65% ना तो कार ना तो फोन, इसी को हम लोग माइनस करेंगे। तो या ये कितना हो जाएगा, 35% आ रहा है, तो यही हो जाएगा या तो कार या तो फोन। ये ना तो कार ना तो फोन था, तो 100 से माइनस करेंगे तो ये 35% या तो कार या तो फोन, इधर कार और फोन, इधर कार और फोन। ठीक है, ये 35% आ जाएगा। इसका मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 35% फैमिलीज हैव इधर कार और फोन, ये हो जाएगा सही। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, देखो ऑप्शन में ये 2 और 3 करेक्ट, 2 एंड 3 करेक्ट है। हाँ, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, 2 एंड 3 आर करेक्ट। इसको ऐसे बनाना है। थोड़ा सा ये घुमावदार क्वेश्चन था, यहाँ से मैं बोध को लिया हूँ, फिर स्टार्ट से लेकर चले हैं और ये निकल के सामने आया है। आप भी ऐसे बनाइए, बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखते हैं। चलिए ध्यान से, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। एक ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों में 5% यात्रियों को कॉफ़ी, चाय और आइसक्रीम तीनों पसंद नहीं है, मतलब वो किसी भी इस प्रकार का ड्रिंक वो पसंद नहीं करते हैं। 10% को तीनों पसंद है, 20% को कॉफ़ी और चाय पसंद है, 25% को आइसक्रीम और कॉफ़ी पसंद है, 25% को आइसक्रीम और चाय पसंद है, 55% को कॉफ़ी पसंद है, 50% को चाय और 50% को आइसक्रीम पसंद है। ठीक है, ये दिया हुआ है। 5% ऑफ द ट्रेन ट्रेवलर डू नॉट लाइक कॉफ़ी, टी और आइसक्रीम। 10% लाइक्स ऑल दिस थ्री चॉइसेस, 20% लाइक्स कॉफ़ी एंड टी, 25% लाइक्स आइसक्रीम एंड कॉफ़ी, 25% लाइक्स आइसक्रीम एंड टी अगेन, 55% लाइक्स कॉफ़ी, 50% टी एंड 50% लाइक्स आइसक्रीम अगेन। ठीक है, उन यात्रियों की संख्या जिन्हें केवल कॉफ़ी पसंद है, उन यात्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिन्हें केवल आइसक्रीम पसंद है। देखो ऐसा क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझना है, तभी आपसे बनेगा ये एक बार इसको सॉल्व कर लिए तो आपसे कितना बनेगा, 3 क्वेश्चन बनेगा। ठीक, अभी देखिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, कुल यात्रियों की संख्या को 100 लेकर चलेंगे, परसेंटेज है तो ऐसा ही लेकर चलेंगे तो आंसर हमसे बनते चले जाएगा। ठीक, मैं इसको डायग्राम से समझाऊंगा, बाकी तो सॉल्यूशन इसमें कुछ नहीं है। डायग्राम लेकर चलते हैं हम लोग। एक ले लेते हैं कॉफ़ी। ठीक, मेरे सर्कल पे नहीं जाना है कि कैसा सर्कल बन रहा है वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ले लेंगे टी और एक आइसक्रीम दिया हुआ है क्या, ये ले लेंगे आइसक्रीम। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, धीरे से समझ में आएगा आपको। सबसे पहले क्या है, कॉफ़ी, टी और ये आइसक्रीम। कॉफ़ी, टी और ये आइसक्रीम। टोटल नंबर ऑफ ट्रेवलर्स, कुल यात्रियों की संख्या 100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों में से 5% जो है यात्रियों को कॉफ़ी, चाय, आइसक्रीम तीनों पसंद नहीं है। मतलब यहाँ जो डिस्प्ले होगा वो आपको 95 डिस्प्ले होगा। क्यों 95? 5 लोगों को तो कुछ पसंद नहीं बोल दिया ना वो, इन तीनों में से। ठीक है, 10% को तीनों पसंद है। तीनों कहाँ पे आ रहा है, देखो तीनों कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया 10। बहुत ध्यान से समझना है इसको, तीनों कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये हो गया 10। तीनों पसंद है 10% लोगों को। ठीक है, 20% को कॉफ़ी और चाय पसंद है। 20% को क्या पसंद है, कॉफ़ी और चाय पसंद है। अभी देखो कॉफ़ी और चाय की बात कर रहा है, कॉफ़ी और चाय की बात कर रहा है वो, टी एंड कॉफ़ी की बात कर रहा है। इसमें 20%, 20 लोगों की बात कर रहे हैं, तो ये 10 तो पहले ही आ गए उसमें, ये 10 पहले ही आ गए। और कितने 10, 20 बोल रहा है वो, ये 10 तो पहले ही आ गए। और कितने लोग बच गए, 10 लोग बच गए। अब 10, 10, 20, अब उसको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉफ़ी और चाय पसंद है। कितने लोगों को, 20 लोगों को। स्टेटमेंट क्या सही होना चाहिए। आगे चलते हैं, 25% को आइसक्रीम और कॉफ़ी पसंद है। 25% को आइसक्रीम और कॉफ़ी पसंद है, 25% आइसक्रीम एंड कॉफ़ी। तो 10 तो पहले से ही है हमारे पास, और 15 ले लेते हैं, ये हो गया 25। ये क्या हो गया, 25। ठीक है, ऐसे करेंगे। फिर बोल रहा है 25% को आइसक्रीम एंड टी पसंद है, इसको भी 25% बोल रहे हैं वो, आइसक्रीम एंड टी। 10 तो पहले ही है हमारे पास, और कितना लेंगे, 15 लेंगे, ये हो गया 25%। ठीक है, आगे चलते हैं। 55% को कॉफ़ी पसंद है। 55% को क्या पसंद है, कॉफ़ी पसंद है। कॉफ़ी वाले 10 इधर से आ गए, 10 इधर से आ गया, 15 यहाँ से, और टोटल 55 बोल रहा है वो। टोटल कितना बोल रहा है, 55। तो हम लोग घटा लेंगे, कितना घटाएंगे, 10, 20, 30, 35 घटा लेंगे 55 में, तो ये हो जाएगा 20। कॉफ़ी सेपरेट कितना बच गया, 20। अब इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इतना को 55 दिखेगा, 55%। ठीक है, बहुत अच्छा है, ये चीज़ को समझना है आपको। आगे चलते हैं, 50% को चाय पसंद है। तो चाय वाले कितने लोग हैं यहाँ पे देखो तो, 10, 10, 10, 35 यहाँ से आ गया 15, यहाँ पे कितना बच जाएगा 15। अब टोटल मिलाओ कितना हो जाएगा वो 50। समझना है इसको, टोटल कितना हो जाएगा 50। ठीक है, आगे चलेंगे। फिर 50% को आइसक्रीम पसंद है, तो यहाँ से 30 हो गया, ये 40 हो गया, बच कितने का 10 लोग, इसको आइसक्रीम पसंद है। तो ये हमारा जो है प्लॉटिंग यहाँ पे वो हो गया कंप्लीट। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको बिल्कुल सही सही बनाना है। क्यों मैं यहाँ रखा हूँ, बोल कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहा हूँ, उसका रीज़न आपको समझना है। ठीक है, जिस सर्कल के अंदर है उसका एडिशन वो बराबर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अब स्टेटमेंट दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, उन यात्रियों की संख्या जिन्हें केवल कॉफी पसंद है, केवल ओनली एंड ओनली कॉफी, उन यात्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है जिन्हें केवल आइसक्रीम पसंद है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ पैसेंजर हु ओनली लाइक कॉफी और हाउ मच परसेंटेज मोर देन द परसेंटेज हु लाइक आइसक्रीम। ठीक है, ओनली आइसक्रीम की बात कर रहे हैं, ओनली तो देखो ओनली कॉफी 20, ये 20 हो गया। और किससे कंपेयर करने की बात कर रहे हैं? वो आइसक्रीम से कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। वो आइसक्रीम 10 लोगों को कितने प्रतिशत अधिक है बोला है क्या? वो अधिक है तो कम है, घटाएंगे तब तो पता चलेगा। उन यात्रियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है बोल रहे हैं। किससे कंपेयर करना है हमको? आइसक्रीम से कंपेयर करना है। नीचे रखेंगे आइसक्रीम का, ओनली आइसक्रीम का है वो। ठीक है, आइसक्रीम तो बहुत लोग हैं लेकिन इनको कॉफ़ी भी पसंद है, इनको दोनों पसंद है, इनको टी भी पसंद है और ओनली आइसक्रीम ये है। ऐसा कर लेंगे ये पहला क्वेश्चन के लिए अपना। यहाँ से 10/10 × 100 कुल मिला कितना आ गया? 100% ज़्यादा है वो। ठीक है, ऐसे इसको लेना है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उन यात्रियों की संख्या का प्रतिशत जिनको 3 उत्पादों में से कम 2 उत्पाद पसंद है। कम से कम, अच्छा क्वेश्चन है, कम से कम 2 उत्पाद पसंद है, कम से कम, अधिक से अधिक 3 हो सकता है, कम से कम 2 होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ पैसेंजर हु प्रेफर एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स, एटलीस्ट 2 ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स। कहने का मतलब ओनली नहीं होना चाहिए, कम से कम 2, अधिक से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, क्योंकि ये ओनली वाले हैं, ये हट जाएंगे सीधे सीधे। इसको जोड़ लें हम, 30, 40, 50, यहाँ पे आंसर आया है 50%। ये आंसर हो जाएगा 50%, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्या बोला है वो? कम से कम 2 उत्पाद पसंद है। इसको तो एक ही पसंद है, इसको सिर्फ आइसक्रीम पसंद है, इसको सिर्फ टी पसंद है, इसको दोनों पसंद है, कम से कम 2 में आ गया, इसको भी दोनों पसंद है, इसको भी दोनों, इसको तीनों पसंद है। इतना हम लोग जोड़ लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 50%। इसको जोड़ लीजिए आप डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, उन यात्रियों की संख्या का प्रतिशत जिन्हें चाय और आइसक्रीम पसंद है पर कॉफी पसंद नहीं है। उन यात्रियों की, यह ऑलरेडी परसेंटेज में है ना, ठीक है, उन यात्रियों का प्रतिशत जिन्हें चाय और आइसक्रीम पसंद है पर कॉफी पसंद नहीं है। द परसेंटेज ऑफ ट्रैवलर्स हु लाइक टी एंड आइसक्रीम, टी एंड आइसक्रीम यहां पे बोल रहे, देखो टी एंड आइसक्रीम बट डू नॉट लाइक कॉफी। देखो टी एंड आइसक्रीम बट डू नॉट लाइक कॉफी, कॉफी यदि बोलता तो इसको जोड़ लेते, टी एंड आइसक्रीम में तो अलग से दिख रहा है सिर्फ 15%। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15%। ऐसे इसको बनाना है, इजी, बहुत इजी है। मेन ये प्लॉटिंग था, उसके बाद तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। 3 क्वेश्चन इसमें बनेंगे आपसे, 3, यदि जिस मान लो 2 मार्क्स के हैं तो 6 मार्क्स हो गए, 1 बन गया तो 3 मार्क्स तो मिल गया, मतलब 3 क्वेश्चन आपसे बन गए। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग सेगमेंट में से एक है ये। अभी और क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% विद्यार्थी गणित में, 75% विद्यार्थी अंग्रेजी एवं गणित में उत्तीर्ण हुए, दोनों की बात कर रहा है वो। यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको बतानी है। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपको बतानी है, बहुत ईजी है, देखेंगे। इन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश, 85% in mathematics and 75% in both English and mathematics. If 40 students failed in both subject, find the total number of students. ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट्स की निकाल लेते हैं जो पास हुए हैं, परसेंट ऐसे स्टूडेंट की जो पास हुए हैं, इसमें उसमें दोनों मिलाकर जैसा भी हो पास हुए हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, तो इक्वल टू लिखूंगा तो वो गलत है। ठीक, तो यहाँ पे 80 दिया है, 80% की बात किया है एक सब्जेक्ट में, और दूसरे सब्जेक्ट में किसकी बात की है वो 85% की बात की है, और बोथ उत्तीर्ण दिया है, तो उसको हम लोग घटाते थे यूनियन वाले फार्मूले के अनुसार, ऐसा लेकर चल रहे हैं। तो इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 10 और प्लस 80, 90, तो 90% आ गया। इतने लोग पास हुए हैं, तो फेल कितने लोग हुए? 10%। फेल कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 90%, 10% क्या हो जाएंगे? फेल हो जाएंगे। अब क्या दिया है? यदि 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हों, वही जो 10% है वो 40 के बराबर है दिया है, x इंटू 10 बाई, क्योंकि 10% है, 10/100 है, तो किसके बराबर है? 40 के। 40 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये निकल जाएगा हमारा x इक्वल टू, यहाँ से ये कैंसिल कर लूँ, क्या हो जाएगा? 400, ये 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा तो पिछले पार्ट में देख लिए। प्रैक्टिस करना जरूरी है, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ऐसा ही कुछ है। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% गणित में, परंतु 10% इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो गए। अभी उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दिया है। यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हो तो कुल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? देखेंगे, इजी है। इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ कैंडिडेट पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथमेटिक्स, 10% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इफ 144 कैंडिडेट पास इन बोथ द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट वास, वही है परसेंटेज। यदि जिसका पहले बात कर रहे हैं उसका निकाल लेंगे हम लोग। पास की बात किया गया, वो पास का तो पास निकाल लेंगे। ये परसेंटेज पास का, ये पास का, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया है वो 80% दिया है, 80। फिर क्या दिया है 70। ये पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। लेकिन 10% फेल को दिया है वो, तो कैसे करते थे हम लोग? 100 से माइनस कर लेंगे, 100 - 10 ऐसा कर लेंगे, क्योंकि ये फेल है। पास रहता तो ऐसा नहीं करते, 100 माइनस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट रखते उसको, ठीक है। इतना तो अब समझ में आ गया होगा। ये 80 + 70, ये कितना 150 लिख लूँगा मैं, चलो ये 150 लिख लिया। और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 90, टोटल आ गया 60%। 60% क्या है? पास वाला है ये। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यदि 144 उम्मीदवार इन दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में क्या है पास हुए हैं, तो जो पास है 60% आ रहा है, तो x × 60/100 = 144। यही तो आ रहा है क्या? ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। x का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 144 × 10/6, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद पिछले पार्ट में भी था, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24, बिल्कुल ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। 240 स्टूडेंट, ये हो जाएगा आंसर। इजी था क्वेश्चन, है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना है, फिर क्वेश्चन आपसे बनते चले जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं चाहता हूं कि यदि आप परसेंटेज का सीरीज पूरा देखेंगे, शुरू से लेकर लास्ट तक, फिर और कुछ नहीं बचेगा उसमें देखने लायक कि यहाँ से देखें, वहाँ से देखें, इससे पढ़ लें, उससे पढ़ लें, फलाना बुक से पढ़ लें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उतना कंप्लीट प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक। इन ए क्लास 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन हिंदी एंड 45 पास इन संस्कृत। If 25% of them pass in both subject, what percent of the student fail in both the subject? एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% दोनों विषय में सफल होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए आपको बताने हैं, ठीक है। सफल का दिया, पर असफल आपको पूछा हुआ है। बहुत ईजी है कि ऐसा तो हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, अब इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। परसेंटेज पास सीधा लेना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे 60% दिया है, ठीक 60, और तो बहुत इजी है। कहाँ से बीच में आ गया है ये 45, और ये भी पास वाला है क्या? 25% बोथ द सब्जेक्ट, हाँ ठीक है पास, तो सीधा माइनस कर लेंगे। फेल वाला रहता तो ऐसा करते, उल्टा करते। यहाँ से ये हो जाएगा 20 + 80%, दोनों सब्जेक्ट में ये पास हुए। ईजी है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कितने परसेंट फेल हुए हैं करके, तो 100 - 80 कर लेंगे, फेल वाले निकल जाएगा। 100 - 80%, 20% फेल हो जाएगा, ठीक। इजी है ना, क्वेश्चन इजी रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। अगला कुछ ऐसा ही है, देख लेते हैं उसको क्या दिया हुआ है। इन एन एग्जामिनेशन 30% फेल्ड इन मैथमेटिक्स, 42% फेल्ड इन इंग्लिश। इफ 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ सब्जेक्ट वास। अब पास का निकालना है। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में, 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषय में असफल हुए हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषय में सफल होते हैं? उल्टा किया है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं होने के लिए, लेकिन होना नहीं है। अब कब नहीं होंगे? जब बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो। अभी देखो, फेल की बात की है तो 34, ये फेल की बात की है ना। फिर 42, ये भी फेल की बात किया है, ठीक है। फिर अगेन ये 20% जो, वो भी फेल की बात किया है, डायरेक्ट -20, तो परसेंटेज फेल का ही निकलेगा यहाँ से। ये कितना हो जाएगा 22 और 26 और 56, 56% जो है फेल हुए हैं। ये क्या है? फेल हुए हैं। हमको निकालना क्या है? पास निकालना है, दोनों विषय में सफल। तो सीधा 100 - ये 56, यहाँ से 44% आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इजी था, कॉन्सेप्ट समझ लिए तो क्वेश्चन बनेगा, और नहीं समझें तो नहीं बनेगा। चलिए अगला ही ऐसा कुछ देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा। चलिए, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश एंड 65% कैन स्पीक हिंदी। इफ 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, ना हिंदी ना इंग्लिश, परसेंटेज ऑफ द ग्रुप कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। छात्रों के एक समूह में 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकता है तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? ठीक है, स्पीक बोथ, परसेंटेज स्पीक बोथ को लेंगे, बोथ का लेंगे, परसेंटेज बोथ स्पीक का है ना ये। चलिए 70% किसकी बात कर रही है? इंग्लिश की, 65% हिंदी की, और यहाँ पे 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक नन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। दोनों में से कोई नहीं, दोनों बोलता तो घटाते डायरेक्ट, दोनों में से कोई नहीं, तो 100 - 27। इस चीज को समझना है, क्यों ऐसा करते हैं वही बार बार। ठीक है, उसको मैं पहले पार्ट में समझाया हूँ। अब यहाँ से माइनस कर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 135 माइनस ये कितना हो जाएगा 73। इस चीज को आप समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन जो भी आपको दिया रहेगा वो आपसे बनने लगेगा। ठीक है, यहां से आ गया 62%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं। इस पार्ट में अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, उसको भी बना के देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा इजी है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र गणित में असफल हुए, सफल दिया है, लेकिन 20% छात्र दोनों विषय में असफल हो गए। यदि 2500 छात्र दोनों विषय में सफल हुए हैं तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी थी, आपको बतानी है। इजी है। इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ द कैंडिडेट पास इन इंग्लिश एंड 70% ऑफ द कैंडिडेट पास इन मैथमेटिक्स, बट 20% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, बोथ दिस सब्जेक्ट। इफ 2500 कैंडिडेट्स पास इन बोथ सब्जेक्ट, The number of candidates who appeared in at the examination was। बहुत ईजी है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस है इसलिए हम लोग और कर करके देख रहे हैं। परसेंटेज पास का हम लोग लेंगे, ये कितना निकल के सामने आ रहा है। 60% की बात किया है पहले, ये 60%, फिर वो 70% की बात किया है तो 70%, लेकिन 60% और 70% दोनों क्या है, पास वाले हैं, और 20% क्या है, फेल वाला है। तो यदि ऐसा आता है तो हम लोग बार बार बता चुका हूं कि वो 100 - 20 हो जाएगा, क्योंकि ये पास ये पास ये फेल है, इसलिए ऐसा किया हम लोग। ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा 60 + 70 माइनस ये हो जाएगा 80, ये आ जाएगा 50%। कुल मिला कितना आ गया, ये 50% आ गया। अब दिया है कि 2500 छात्र दोनों विषय में सफल हुए हों, 50 यही तो है 50% जो सफल हुए हैं, ये क्या है 2500 के बराबर है। तो वो क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50%, 2500 तो डबल कर लो इससे सीधा सीधा, ये हो जाएगा 5000, ये हो जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, तुरंत तुरंत बन जाता है सब क्वेश्चन, बशर्ते आपको एक आध बार प्रैक्टिस कम से कम होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में, 85% लड़के गणित में सफल होते हैं, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में सफल होते हैं। इसमें सफल सफल सफल, ठीक है। तो यदि 45 लड़के दोनों विषय में असफल रहे तो परीक्षा में कुल कितने लड़के थे, आपको बताने हैं। इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द बॉयज पास इन इंग्लिश एंड 80% पास इन मैथमेटिक्स, वाइल 75% पास इन बोथ, पास 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 दिया हुआ है। इफ 45 बॉयज फेल्ड इन बोथ, द नंबर ऑफ बॉयज हु सेट फॉर द एग्जामिनेशन वास, कितने थे उसमें आपको बताने। इसमें दोनों पास 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 दिया है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है हमको। परसेंटेज पास डायरेक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद दूसरा टाइप लेकर चलेंगे हम लोग। परसेंटेज पास दिया है 80, 85, ये तो बहुत ईजी अब बनने लगा होगा, 85, और फिर से पास दिया है 75। ठीक है, इसको पहले जोड़ेंगे बाद में घटाएंगे, तो हो सकता है कि जोड़ने घटाने में थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ से घटाएंगे तो ये क्या दिख रहा है, सीधा सीधा 10 दिख रहा है, 10 में 80 जोड़ लिया तो 90 है, यहाँ से 90% आ गया, ये पास। ठीक है, कैलकुलेशन जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, तो क्या बोलते हैं 45 स्टूडेंट फेल हुए हैं, 45 स्टूडेंट फेल हुए हैं, तो ये तो पास के हैं, तो परसेंटेज फेल यहाँ से कितना आ जाएगा 100 माइनस 90 तो 10%। यही 10% वो किसके बराबर है बोल रहे हैं, वो 45 के बराबर है बोल रहे हैं, 45 स्टूडेंट की बात क्या है। तो टोटल कितने हो जाएंगे 100% बनाने के लिए, ये 450 हो जाएगा, ये हमारा आंसर। इधर जीरो जोड़ करेंगे तो 450 वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस पार्ट में इतना रखते हैं। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही और लेसन्स लेके आते रहूँगा। परसेंटेज बहुत वास्ट है, इसमें बहुत सारे टाइप हैं, मैं धीरे धीरे सारे लेसन्स आपके लिए लेके आऊँगा। मैं एक लेसन्स में टाइप वाइज में जमाया हुआ उसको मैं लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपको पूरा का पूरा लेसन अच्छे से मिल जाएगा, इधर उधर खोज के पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, और मेरे लिए सिर्फ इतना करिए कि वीडियोस जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स क्लिक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन।